राष्ट्रीय बहुत दुखद घटना हुई है। आप लोगों ने देखा होगा रात को, जैसे मालूम पड़ा वीडियो से, तो मैं समझता हूँ जिससे देखा होगा वो आप सुन सकते हो उसको, उस पर क्या बीतती होगी दिल के अंदर, दिमाग के अंदर क्या क्या घटना हो जाती है समाज के अंदर। बहुत दुखद घटना थी और इसलिए रात को ही डीजी साहब ने भेज दिया, एडीजी साहब क्राइम को रवाना कर दिया, एसपी साहब चले गए इमीडिएटली खुद मौके पर। एक सिग्नल नहीं है आपके वहाँ जहाँ पर ये गांव बसा हुआ है, तो वहाँ सिग्नल नहीं थे, तो आप सोच सकते हो सिग्नल नहीं है। ऐसे चला गया, ऐसे जो पकड़ने लोगों को वो इतना नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में एमएलए साहब हो चाहे एसएचओ हो चाहे एसपी साहब, सब लोग एक्टिव हो गए और रात को ही जो मेन मुजरिम थे उनको अरेस्ट किया है, तीन लोगों को सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुजरिम होगा नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय घटना का आप एक महिला के साथ में जो जिस रूप में उसको निरस्त किया गया, आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी घिनौनी घटना क्या हो सकती है। जब पारिवारिक झगड़े भी होते कई बार दुनिया में होते हैं, कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा गांव है या जिला जहाँ घटना नहीं होती है, पारिवारिक घटना होती है, नाराजगी भी होती है पति पति के बीच में, सब कुछ होता है। पर ये घिनौनी हरकत करना, कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना दुखद कोई हो नहीं सकती, निंदा करें उसे कम है। इसमें जो पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसी घटनाओं को एक स्वर में निंदा करनी चाहिए, जिससे समाज में मैसेज जाए ऐसे मामले में कोई राजनीति नहीं हो रही है और पक्ष विपक्ष सब मिलकर के समाज को मैसेज दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं के लिए टिप्पणी करने में हम सब एक मत है, ये भावना होनी चाहिए। दुखद है कई बार डेमोक्रेसी के अंदर आप देखते हैं कि लोग पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ऐसी घटनाओं की टिप्पणी कर देते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं। ज्यादातर वो राज्य है जहाँ पर त्वरित गति से मुजरिम पकड़े जा रहे हैं, जो देश में शायद कहीं नहीं होगा। दो दो घंटे में मुजरिम पकड़ लिए, जोधपुर में घटना हुई थी, दो घंटे में तीनों लड़कों पकड़ लिया जिन्होंने रेप किया था बच्ची का, जो एबीवीपी के थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, वो पकड़ लिया। उसके लिए बोला ही नहीं बीजेपी लोग, क्योंकि वो उनकी पार्टी का जो स्टंट विंग है उनके लोग थे, वो घटना खत्म कर दी गई। हमने दो घंटे में अरेस्ट किया, कहीं चार घंटे में, कहीं छः घंटे में अरेस्ट हो रहे हैं। जितनी घटना हो रही है, घटना तो कहाँ नहीं होती है, पर जो त्वरित कार्रवाई राजस्थान पुलिस कर रही है शायद और राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। और NRCB की जो बुक है भारत सरकार की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो कहती है कि जो घटनाएं संख्या बड़ी है उससे आप तुलना मत करो वहाँ क्राइम कितना है। जैसे मैंने कंपल्सरी कर दिया कि FIR लॉज होगी थाने के अंदर, कंपनी कितने राज्यों में हुआ है, भगा देते थानों से कई लोगों को, फरियादी को। हमने इतना बड़ा साहस दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बकायदा सजा बनते ही मैंने कहा हर थाने में FIR कंपनी दर्ज होगी, थाने में नहीं होगी तो SP के ऑफिस में होगी, उसका असर है। और उसमें मैंने कहा था उससे संख्या बढ़ सकती है, हम उस चिंता नहीं करेंगे, हमें चिंता है फरियादी को न्याय कैसे मिले, ये हमें चिंता है। उसमें हम कामयाब हुए हैं, महिलाओं के लिए हर जिले के अंदर एडिशनल SP रैंक का ऑफिसर लगा दिया, और वो अलग से महिला का उत्पीड़न अन्याय अत्याचार होते हैं वो देखते हैं। पोस्को एक्ट के अंदर जो धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, और जो तफ्तीश का टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। पहले जो 56-3 में जो कोर्ट में जाते थे लोग, थाना में सुनवाई हमारी होती नहीं है, तो थाना में आदेश जारी होते थे कोर्ट के कि आप FIR दर्ज करो और तफ्तीश करो, या कोर्ट आदेश होते थे तफ्तीश करो। आप बता दीजिए वो इतना संख्या कम होगी उनकी, क्योंकि थाने में FIR दर्ज होने लगते हैं। आपको मैं बताऊं कि दो घंटे चार घंटे में तो FIR दर्ज हो ही रही रास्ता में, इस पर देखिए आप कोई FIR दर्ज नहीं, उसकी इस घटना की FIR कोई दर्ज नहीं हुई। जो वीडियो वायरल हुआ उसके आधार पर एक किसी भले आदमी ने SP को फोन किया, मैसेज दिया प्रतापगढ़ SP को,
केस के अंदर भी हमने एमएन दिनेश इनकी देख रेख में एसआईटी घोषित कर दी गई है के साथ में, जो पूरी मॉनिटरिंग करे केस को। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये केस जब्तीस होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर दो, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका मतलब बना रहे, मैंने उनकी माता जी पिता जी बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, न्याय मिलेगा। नंबर एक। नंबर दो, हम चाहेंगे आप चाहे तो धरियाबाद में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे कि वो अपना आने वाले वक्त में चार भाई बहन बहुत गरीब परिवार है, तो चार भाई बहन, तीन बहनें हैं, एक बच्चा छोटा भाई है, उनकी देख रेख भी कर सके आराम से। पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हम उनको वहाँ करवा देंगे, उदयपुर के अंदर जाना चाहेंगे तो दरियाबाद में जाना, दरियाबाद में कर देंगे और साथ में 10 लाख रुपये देंगे, FDI करवाएंगे बैंक के अंदर बच्चे के नाम से, परिवार से पूछ लेंगे किस प्रकार से इनको इलाज चाहिए, जिससे कि ये बच्ची जो है ये खुद का बच्चा पैदा होगा, ये अभी तो प्रेग्नेंट है, तो वो जो बच्चा होगा उसका भी देखभाल करनी पड़ेगी और तीन भाई बहन भी हैं। बच्ची को मैंने कहा तुम हिम्मत रखो, तुम सबकी देखभाल करो, ये हमने उनको कहा है, इस प्रकार की व्यवस्था करा जा रहा है। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने रात को, आपने भी इनिशिएटिव लिया इसमें, और लेकिन अभी भी जो है सारे आरोपी जो है अरेस्ट हो चुके, लेकिन बीजेपी के आरोपी अभी भी वो कह रही है कि इस घटना की तुलना मणिपुर से कर रही है, जबकि सारे आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। अपन क्या कर सकते हैं, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते, यही तो फर्क है उनमें, हमें ही फर्क है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हो उसमें पक्ष विपक्ष एक स्वर में निंदा कर रहे हैं जिन्होंने घटना घटित की है। ये इस प्रकार की घटना का तुलना करके मणिपुर से, ये अपराधियों को इनडायरेक्ट रूप में मदद कर रहे हैं, केस की गंभीरता को कम कर रहे हैं, जिन अपराध किया है उनके मरते बुलंद कर रहे हैं, ये तो होता रहता है मणिपुर में, हुआ है, ये उनकी मंशा है, वो हम होने देंगे नहीं, उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। सर आपको लगता है नाता प्रथा को खत्म कर देना चाहिए जिस तरीके, ये तो पूरे देश के अंदर हर राज्य में आदिवासियों में SC में ST में जनरल कास्ट के अंदर कोई कास्ट हो उनकी अपनी अपनी प्रथाएं, देखिए सदियों से इस पे बहस होती है, सामाजिक सुधार की बात हम करते हैं, करते रहना चाहिए, करने भी चाहिए और जितना संभव हो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो शराबबंदी की बात हम करें, चाहे वो नाता पता की बात करें, ये तो सब जगह शहीद जो होता है शहीद देश की सीमा में लड़ता है, उनकी जो वीरांगना होती है वो भी उनके भी नाता पता होती है कि समाज के अंदर जाते हैं, तो इसको अपन सकते, ये ऐसा विषय है जिसपे समाज वाले खुश हो जाए और तय करें। ये लाशें लेके बैठ जाते हैं ना, देखिए हम तो लगे हुए हैं, जिस प्रकार चाक चौबंद है पुलिस हमारी, अभी आपने देखा होगा अखबार के अंदर भी, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं अखबार के अंदर भी जो आज चार पेज का जो इंफॉर्मेशन आई है पुलिस को लेकर के, आप देखी होगी उसमें, आप देखेंगे तो आप कुछ पाएंगे, इससे और अधिक पुलिस कुछ कर सकती है, हम चाहेंगे आप हमें सुझाव दें। नंबर वन। नंबर दो, मैंने कहा 2030 हमारा मिशन है, कोई पत्रकार साहित्यकार लेखक इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट विषय के जो भी हैं सबकी भागीदारी हो उसके अंदर, मिशन 2030 हम बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो आप कह रहे हो, क्या क्या और स्टेप उठाए हैं जिससे पुलिस और मजबूती से काम कर सकें, हम उनको सुझाव दे सकें, उनकी बातें कर सकें कि कैसे समाज में और ज़्यादा क्राइम जो होती है उसके घटना किसी प्रकार की हो हम समझाएंगे। राजस्थान के शहरी इलाकों में तो पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाका ही था भाई, कल वाला तो पुलिसिंग को थोड़ा सा कल ग्रामीण इलाका ही था, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं नहीं थी, मैंने कहा IG साहब को और कमिश्नर साहब को प्रताप करके आप टेलीफोन कंपनी में बात कीजिए, तमाम इलाके जो आपके आदिवासियों के हैं या उदयपुर मेवाड़ के हैं या राजस्थान में हैं उन सब जगह पहुँच होनी चाहिए टेलीफोन कंपनियों की, टावर लगने चाहिए, उन्होंने मुझे बताया कुछ जगह तो जमीन दे दी गई है, टावर के इक्विपमेंट आ गए हैं, लग भी रहे हैं, हम चाहेंगे जब
ये भी को फोन किया, मैसेज दिया प्रतापगढ़ एस पी को और अंदर से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गाँव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई, एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया, पुलिस कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर पकड़े गए हैं। ये है राजस्थान पुलिस का। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से, राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहाँ पे भी। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बार वो क्यों रहती है कि मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो दो बच्चियों का जो निर्वस्त करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी अंदर घुमाया गया और रेप किया गया और महीना दो महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। बाकी मुख्यमंत्री कह रहा कि प्रेस वाले मुझे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। कुछ स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और नाम दिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का, राजस्थान जहाँ पर 454 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है हमारा। क्राइम तो होता है, देखो तो क्राइम के बाद में अपराधियों को पकड़ने का जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई राज्य नहीं कर पा रहा। अब आप देखिए, पहले 2018 जब सरकार पिछली सरकार थी तब 200 दिन से अधिक समय लगता था। अब बताइए यार, पॉस्को एक्ट के अंदर 57 दिन में, रेप में 54 दिन में जांच तफ्तीश हो जाती है। कहाँ तो 200 दिन लगते थे, कहाँ 57 दिन में और 54 दिन के अंदर रेप की भी और पॉस्को एक्ट की जो बच्चों के रेप होते हैं उनकी जांच पूरी तफ्तीश हो जाती है। इतना बड़ा निर्णय होने का फायदा ही मिला है। महिला अत्याचार में सजा का प्रतिशत जो है 45.2% है, जो देश में सर्वाधिक है, राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा है। यहाँ पर 45.2% सजा का प्रावधान प्रतिशत सजा हो चुकी होती है, हो जाती है। 19 के अंदर जब हम सत्ता में आए थे उसके बाद में आज तक 13 लोगों को फांसी की सजा हुई है, 255 को आजीवन कारावास हुआ है और 1000 से अन्य तरह की सजाएं हुई है। प्रेगनेंसी जो केस की होती है नेशनल एवरेज से भी आप देखिएगा, प्रेगनेंसी प्रतिशत महिला अपराध में 32% नेशनल एवरेज है, 32% नेशनल एवरेज राष्ट्रीय एवरेज है, और हमारे यहाँ 9.6% है प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि दर्द नहीं होते हैं, तफ्तीश का टाइम कम हो गया, तफ्तीश कम टाइम लग रहा है और उसके आधार पर चालान पेश होता है, चेकिंग की जाती है, और तो और जो गंभीर घटनाएं होती है उसमें लीगल ऑफिसर लगाया जाता है, साथ लगाया जाता है लीगल ऑफिसर, जिससे कि लीगली कोई चूक नहीं हो जाए, क्योंकि न्यायालय होता है वो तो न्याय की प्रक्रिया चलती है, उसमें तो विटनेस भी होते हैं, कई बार संदेह के लाभ में छूट जाते हैं लोग बाग, तो हमने लीगल ऑफिसर लगाना शुरू कर दिया कि वो लीगली भी गाइड करेगा।